Hi, this is Shivanjali from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning. In this session, we will see MCQ pattern question of Human Resource Management Unit 1. Unit 1 के अंदर हमें देखना है Nature Scope of HRM, Function Importance of HRM, HRM versus HRD, SHRM, Introduction Characteristic, Scope of SHRM, Meaning Role of Strategic Formulation, Implementation, Barrier of Strategic HRM, Linking HR Strategy with Business Strategy, Role of HR in Merger and Acquisition, Technology Role, HRM Linkage with TQM Productivity. So we will see all MCQ pattern question on this topic only. ठीक है, ये यूनिट वन है आपका, MBA सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है और हम लोग यूनिट वन का आज MCQ पैटर्न क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर वन, विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके, सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. इफ इट इज रिटन प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज द ऑल्सो डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंस. इफ इट इज रिटन अकाउंटिंग, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द फंक्शन ऑफ एच आर. और इफ इट इज रिटन फिनेंसिंग, सो दिस ऑल थ्री प्रॉफिटेबिलिटी, अकाउंटिंग, फिनेंसिंग इज द डिपार्टमेंट और फंक्शन ऑफ फिनेंस. बट हियर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग, दिस ऑल फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके, तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी ऑप्शन हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, अकाउंटिंग हो, फिनेंसिंग हो, तो आपका अगर ये ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन नहीं पूछ रहा है, कौन सा इसमें से ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, तो आप इसमें ये ऑप्शन सी लगाएंगे. सेकेंड, विच इज और आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिलेशन, इसमें कौन सा फंक्शन है ह्यूमन रिलेशन का. देन ऑप्शन वन, वन ए बी सी है यहाँ पे, मिनिमाइज द डिससेटिस्फैक्शन, मॉडल बिल्डिंग प्रोग्राम, पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड ऑल ऑफ द एबव. सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव. इसमें डिससेटिस्फैक्शन को मिनिमाइज करते हैं ताकि सेटिस्फैक्शन हो, बिल्ड मॉडल बिल्डिंग बनाते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं. सो दिस ऑल आर द रिलेशन फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिलेशन. नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इम्फेसाइज डेवलपमेंट ऑफ पीपल. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, डेवलपमेंट ऑफ पीपल. ह्यूमन रिसोर्स किस पे इम्फेसाइज करता है, तो ऑन डेवलपमेंट ऑफ पीपल. क्वेश्चन नंबर फोर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एमलगम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन. सो ऑप्शन सी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एमलगम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन. नेक्स्ट, फाइव, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू दी एंड दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी आर अचीव गिवन बाय. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एच आर एम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, विच इज गिवन बाय फिलिपो. फिलिपो इज डिफाइंड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लाइक इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रिक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी. ओके, सो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय फिलिपो और ये दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये क्वेश्चन में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा. क्वेश्चन नंबर सिक्स, फोर ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एच आर एम इंक्लूड प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मोटिवेशन, मेंटेनेंस, इंटीग्रेशन, इमर्जिंग ट्रेंड. सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज दिस ऑल आर द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एच आर एम. बेसिक मैनेजरियल फंक्शन ऑफ एच आर एम, हियर इट इज आस्किंग द मैनेजरियल फंक्शन. ऑपरेटिव फंक्शन आपका ये है जहाँ पे हम लोग प्रोक्यूरमेंट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, कंपनसेशन प्लान करते हैं, एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करेंगे वो प्लान करते हैं. ठीक है, सेपरेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, सो दिस ऑल फंक्शन कम अंडर द ऑपरेटिव फंक्शन. बट मैनेजरियल फंक्शन क्या होता है आपका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दीज आर द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ एच आर एम एरिया. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर एट, एच आर प्लानिंग इन्वॉल्व फोर डिस्टिंग फेज. वन ऑफ दिस स्टेज इज वन, जो फर्स्ट स्टेज जो है आपका, फर्स्ट वो आपका होता है फोरकास्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड.
ओके क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ HRM दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करेक्ट ऑप्शन इज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 10 फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ HRM एक्सेप्ट कौन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक देखना है हमें परवेसिव फंक्शन इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म सो दिस ऑल थ्री आर द एग्जांपल ऑफ HRM बट जॉब ओरिएंटेड इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ HRM ओके यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पूछा है फंक्शन नहीं पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंड द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को हम सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन इज बी 12 चैलेंजिंग फेस बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में तो दैट इज द टेक्नोलॉजिकल चैलेंज वर्क फोर्स डाइवर्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन सो दिस इज द चैलेंज विच फेस बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टीम क्वेश्चन नंबर 13 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल ऑर्गेनाइजेशन टूगेदर सो दैट द गोल ऑफ ईच आर अचीव सो करेक्ट ऑप्शन इज सी आप ये सारे ऑप्शन खुद से पढ़िएगा मैं जो करेक्ट ऑप्शन है मैं वो बता रही हूँ ठीक है 14 द प्रोसेस ऑफ फैमिलियराइजिंग द न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड रेगुलेशन इज नोन एज क्या है जब न्यू एम्प्लॉय को हम ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन बताते हैं न्यू एम्प्लॉय को पुरानी एम्प्लॉय से फैमिलियराइज करवाते हैं या इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं ठीक है 15 व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सो व्हाट इज द नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फॉर अंडरगोइंग एन इफेक्टिव एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हमें HRP करना होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना होता है टू प्रेजेंट अ बेस फॉर रिक्रूटमेंट यस रिक्रूटमेंट का क्या कितने क्या जॉब वैकेंसी है क्या रिक्वायरमेंट है वो पता करने के लिए हमें HRP करना होता है एंड टू प्रेजेंट अ बेस फॉर सेलेक्शन पॉलिसी सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन दिस ऑल रिक्वायर्ड नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम देखते हैं गैप फाइंड आउट करते हैं कि कितने एम्प्लॉय हैं कितने स्किल एम्प्लॉय हैं कितना का रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में क्या गैप है उसके अकॉर्डिंग हम सारा प्लानिंग करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 हु लेड द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस सो करेक्ट आंसर इज सी पीटर टकर एंड डॉगल्स मैक जॉर्ज 17 व्हाट आर दोज एक्सपेक्ट ऑन विच द HR प्रोफेशनल अप्लाई द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स सो हियर इट इज सेइंग द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स सो करेक्ट आंसर इज HR स्ट्रैटेजी में हम लोग रिस्क भी लेते हैं वहाँ पे रिस्क मैनेज करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इज बी 18 व्हाट इज द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कोप क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का देन करेक्ट आंसर इज सी accomplishing the advanced research in behavioral science new idea in management advanced in field of training and development so ye sab aapka scope hai bahut hi bahut zyada scope hai but ye aapke isko short mein bataya gaya hai theek hai acha yahan pe explanation bhi hai the scope of human resource management refer to all the activity accompanied under the HRM which are as follow ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जॉब एनालिसिस डिजाइन रिक्रूटमेंट सेलेक्शन ऑरिएंटेशन इंडक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल कंपनसेशन प्लानिंग रेम्यूनरेशन मोटिवेशन हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर इंडस्ट्रियल रिलेशन सो और भी एक्सेट्रा ये सभी इस फील्ड में हमारा स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप है क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ फॉलोइंग टेल्स द करेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है जो आपका मैनेजमेंट फंक्शन है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग उसमें कंट्रोलिंग का मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है कंट्रोलिंग टू इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटी आर कोऑर्डिनेटेड एज पर देयर प्लान सो कंट्रोलिंग का हमारा क्या मेन कैसे क्या कंट्रोल करना है हमें इंश्योर करना है कि जितना भी एक्टिविटी कोऑर्डिनेट हो रहा है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है
द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हेल्प टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द मैनेजर फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर. एचआर मैनेजर का जो फंक्शन है इसमें मैनेजर फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारा ऑपरेटिव फंक्शन है एचआर मैनेजर का. बट यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनाइजिंग है, दिस इज दी एचआर मैनेजर का मैनेजर फंक्शन है. ठीक है. विच ऑफ फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर. तो प्रोक्यूरमेंट इज दी ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग या डायरेक्टिंग रहेगा. तो दीज आर दी मैनेजर फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर. ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा क्योंकि आपका एक टॉपिक ही है फंक्शन ऑफ एचआर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, जिसमें फंक्शन में आपका मैनेजरियल फंक्शन और ऑपरेटिव फंक्शन को अच्छे से एलोबरेट किया हुआ है आपके सिलेबस में. तो ये आपके क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं एग्जाम के लिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22, द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड. तो अभी हमने देखा था स्कोप बहुत ही उसका सब सारे फील्ड में है, एचआर से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड. तो प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन एम एट डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन डील विद एम्प्लॉयज इन डिफरेंट स्टेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. यहाँ पे हेल्प करता है, हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन डील विद इट्स एम्प्लॉय इन देयर डिफरेंट स्टेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दैट इज द मेन एम ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 25, फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचआर स्ट्रैटेजी ब्लैंक कैन वी यूज टू इम्प्रूव द एचआर रिलेटेड स्ट्रैटेजी. सो डेटा एनालिटिक्स इज यूज फॉर इम्प्रूव द एचआर रिलेटेड स्ट्रैटेजी. हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजी में चेंजेस या स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26, रेशियो एंड रिग्रेशन एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ विच फोरकास्टिंग टेक्निक. सो इट इज द स्टैटिकल टूल. रेशियो और रिग्रेशन एनालिसिस आपका स्टैटिकल टूल है. क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रैटेजिक एचआरएम प्लानिंग, एचआर प्लानिंग प्रोसेस. तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस में हम करेंट एचआर कैपेसिटी देखते हैं कि क्या कितना रिक्वायरमेंट है, कितना वैकेंसी है. तो एसेसिंग द करेंट एचआर कैपेसिटी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइंड द ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट. ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट दैट मीन्स मैनेजिंग द वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द एम्प्लॉय एंड एक्सट्रैक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ हिम और हर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एंड सी, मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉय फॉर देम टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में हम वर्क फोर्स को मैनेज करते हैं. कहाँ के वर्क फोर्स को? तो ऑर्गेनाइजेशन के, पार्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फोर्स को मैनेज किया जाता है. एम्प्लॉय के स्किल पे फोकस किया जाता है, उनके स्किल को अपग्रेड किया जाता है, डेवलप किया जाता है और उनसे बेस्ट स्किल या बेस्ट वर्क उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एंड थर्ड इज दी ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉय है वो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी में या प्रोडक्शन में. सो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट फॉर ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ मैनेजमेंट. ओके, तो ये कौन सा इसमें से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होता है, एक्सटर्नल इंटरनल फोकस दोनों पे ये फोकस करता है. ठीक है. इट कंसर्न द प्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये स्ट्रैटेजिक फ्यूचर ऑरिएंटेड होता है. ठीक है. सो दिस इज द नॉट करेक्ट. हाँ, यहाँ पे ये फ्यूचर ऑरिएंटेड होता है. क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एलिमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. तो फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी एंड इवेल्युएटिंग द स्ट्रैटेजी, असाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इज द नॉट द एलिमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. ओके,
क्वेश्चन नंबर 31, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज. कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हेल्प करता है इंक्रीज दी इफिशियंसी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32, ब्लैंक इज द फाउंडेशन ऑफ ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी. तो यहाँ पे ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी अब जो है वो वैल्यू इनोवेशन के लिए होता है, जहाँ पे हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33, इन द स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआर स्ट्रैटेजी आर जनरली अलाइन विद दैट इज द बिजनेस स्ट्रैटेजी. आप डेफिनेशन में देख सकते हो, इन स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआर स्ट्रैटेजी आर जनरली अलाइन विद द बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन डिफाइंड एज द लिंकिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद स्ट्रैटेजिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड डेवलप द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर दैट फॉस्टर द इनोवेशन. ओके. क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो ये प्रोवाइडिंग द बेस्ट ट्रेनिंग मेथड, जिसमें हम बहुत सारे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजिकली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस यूनिट 1. द फोकस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड मैन और पीपल रहेगा, तो पीपल. ठीक है. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. अब वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं. आप अगर MBA सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, ट्यूटर मतलब आप पर्सनली या ग्रुप में आप पढ़ सकते हो मेरे से. ठीक है. अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप यहाँ पे मुझे कॉल कर सकते हो, नहीं तो मुझे मेल कर सकते हो. मेल में आप अपना कांटेक्ट नंबर, नेम, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज प्लस सब्जेक्ट जरूर मेंशन कीजिएगा. ठीक है. ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए अनाउंसमेंट है. अगर आप MBA फोर्थ सेमेस्टर के हो तो अगेन मैं ये सारा आपको पर्सनली पढ़ा सकती हूँ. हमारा बैचेस में रहता है, बैचेस 5 के बैचेस होते हैं, या फिर इंडिविजुअल अगर आपको चाहिए तो इंडिविजुअली भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं. ये आप मेल कर सकते हो मुझे यहाँ पे डिटेल, या कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.